नताशा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्माइली बनाना सिखाऊंगी। ये बच्चों को खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। ये बहुत ही इजी और झटपट बन जाती है। चलिए आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसके लिए मुझे चाहिए एक बड़ा कप बॉईल किया हुआ आलू, आधा कप ब्रेड क्रम, एक टीस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, एक चौथाई टीस्पून चाट मसाला और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। चलिए आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं एक बॉईल में ये उबला हुआ आलू को ऐड करूंगी। इसके बाद इसमें ये ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लोर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला पाउडर, इन सबको अब अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। देखिए इस प्रकार से एक डो तैयार कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से चिकना हो जाए। देखिए इस प्रकार से हम इसका डो तैयार कर लेंगे और इसको ढककर आधे घंटे के लिए अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। देखिए आधा घंटा हो चुका है, डो हमारा तैयार है। अब हम इसे एक सेल्फ पर निकाल लेंगे और इस प्रकार से हम इसे ऐसे मसल मसल के गोल कर लेंगे। इस प्रकार से मैं इसके दो गोले बना लूंगी और इसको हल्के हाथों से, देखिए हम बेलन से इस प्रकार से बेलेंगे और इस प्रकार से ये फट रहा है, इसको हम इस प्रकार से ऐसे कर देंगे ताकि ये फटे ना, और इसको हम हल्के हाथों से इस प्रकार से बेल लेंगे। हम इसको थोड़ा मोटा ही रखेंगे क्योंकि स्माइली का साइज थोड़ा मोटा होता है, इसलिए वो मोटी ही अच्छी लगती है। इस प्रकार से देखिए इसे हाथों की सहायता से हम ऐसे चिकना कर देंगे। देखिए ये बेल चुका है। इस प्रकार से मैं किसी भी ये डब्बे का ढक्कन लूंगी और इसकी सहायता से हम इसे इस प्रकार से दबा दबा कर गोल गोल काटेंगे। देखिए इस प्रकार से मैंने काट लिया है और जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है मैं इसको हटा दूंगी। इस प्रकार से हम हटा के इसे साइड में रख देते हैं। इसके बाद में ये स्ट्रॉ आती है, मैं उसको लूंगी और इस प्रकार से हम इसकी आंखें बनाएंगे। इस प्रकार से देखिए स्ट्रॉ की सहायता से हम इन सबकी आंखें बना देंगे। आंखें बनाने के बाद अभी ये चाकू की जो नोक होती है इसकी सहायता से मैं इसकी स्माइल बनाऊंगी। देखिए इस प्रकार से हम हल्के हाथों से, देखिए इस प्रकार से हम इसकी स्माइली बना लेंगे। इसी प्रकार से देखिए हमारी स्माइली तैयार हो चुकी है। आइए मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इस प्रकार से इसी प्रकार से हम सारी स्माइली बनाएंगे। इसी प्रकार से दोबारा मैं ढक्कन की सहायता से, देखिए ऐसे स्माइली काट लेंगे। हम ढक्कन को हल्का सा हम टर्न करेंगे जिससे हमें स्माइली निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इस प्रकार से हम इसे बनाते जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें से भी ये सारा एक्स्ट्रा हम निकाल देंगे। फिर से हम स्ट्रो की सहायता से इनकी आइस बनाएंगे। इसी प्रकार से देखिए मैंने दूसरी स्माइली भी तैयार कर ली है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। देखिए मैंने सारी स्माइली बना के तैयार कर ली है। चलिए आइए हम इसको डीप फ्राई कर। देखिए हमारा ऑयल गरम हो चुका है। चलिए आइए अब मैं इसमें ये स्माइली डालती हूँ। इस प्रकार साइड से हम धीरे धीरे करके एक एक स्माइली को डालेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, ना हम ज्यादा हाई रखेंगे ना ज्यादा हम लो, मीडियम ही रखेंगे। देखिए इस प्रकार से हम इसे तलेंगे और इसको हम हल्के हाथों से इसको पलट देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें तलेंगे।
देखिए जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इन्हें हल्के हाथों से पलट देंगे इस प्रकार से धीरे धीरे से। देखिए स्माइली हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। चलिए आइए हम निकाल लेते हैं इन्हें इस प्रकार से। लेके हमने एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरी बार भी हम स्माइल को इसी प्रकार से तल लेंगे। इसी प्रकार से दूसरी बार भी मैं इसे फ्राई डीप फ्राई करके निकाल लेते हैं। लीजिए दोस्तों हमारी स्माइली बनकर तैयार है। ये आप स्नैक के रूप में शाम को बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। बच्चों को ये स्माइली बहुत पसंद आती है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये स्माइली की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।